हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 8.6 कराएंगे, क्लास 9 चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर। तो देखिए थ्योरम का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझिए, और मीनिंग समझ गए तो आप कर लेंगे। क्या है इसमें, प्रूफ दे दो। कुछ थ्योरम्स के हमने प्रूफ दिए, लगभग हमने 5-6 थ्योरम के 5 और 6 थ्योरम प्रूफ कर चुके, बाकी की याद करने हैं, स्टेटमेंट उसमें लगेंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मीनिंग समझ लो। जब भी हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो अपोजिट साइड्स उसकी पैरेलल दिखनी चाहिए। जैसे ये दिख रही है ना, पैरेलल दिख रही है, ये लाइन इसके अपोजिट है, पैरेलल भी दिखनी चाहिए, फिगर में भी पैरेलल दिखनी चाहिए। हम अपनी तरफ से नंबरिंग करेंगे, ए बी सी और डी। डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब दो डायगोनल होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं, दो। तो एक डायगोनल कौन सा हो गया, ए सी, और एक कौन सा हो गया, बी डी हो गया। अब जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का क्या नाम दे दो, ओ दे दो। अब वो ये कह रहे हैं कि ये बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब क्या होगा, OA को OC के इक्वल बताना है और OB को OD के इक्वल बताना है। अभी है नहीं हमारे पास, अभी तो गिवन में सिर्फ क्या है आपके पास, बोलो, गिवन में आपके पास है A B C D इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये जो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लगा सकते हैं आप। किसकी डेफिनेशन लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कौन सी डेफिनेशन लगा सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जब वो पैरेलल है अपोजिट साइड्स वो हम यूज कर सकते हैं। प्रूफ दैट, तो इसमें क्या लिखा है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूफ इट। या तो प्रूफ दैट पहले लिखा होगा, लास्ट में प्रूफ इट, मतलब प्रूफ करना है। हमें क्या बताना है, हमें टू प्रूफ में बोलना है कि डायगोनल्स AC एंड BD आर बाय सेक्स क्या करते हैं, बोलो, बाइसेक्ट करते हैं। हमें क्या बताना है, बोलो, ये बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं एट ओ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज में दैट इज, इसका मतलब है OA OC के इक्वल आना चाहिए और OB OD के इक्वल आना चाहिए। तो प्रूफ हम करेंगे, प्रूफ। अब इसमें आवाज रोज आपके साथ ही बोल। अब हम इसमें बस सिलेक्शन और ट्रायंगल्स दिमाग में होना चाहिए। तो इसमें सिलेक्शन कौन सा होगा, एक तो ए वाला जो शेडेड पोर्शन है ये वाला ले लीजिए, और नीचे का ये शेडेड पोर्शन है इसको ले लीजिए। और हम इससे कैसे सॉल्व कर देंगे, देखो बिल्कुल इजीली मेथड से। देखो यहाँ पर आप ये, यहाँ पर आप एंगल क्या ले लें, वन, क्या ले लिया, एंगल वन, और इसको क्या ले लें, एंगल टू। ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे हैं, और ये थ्री, क्या ले लें, थ्री, और ये फोर, दो एंगल इक्वल आ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आएंगे, जेड बन रहा है, जेड के अंदर देखिए ये वाला जेड बन रहा कि नहीं बना, इसमें कौन आ गया, वन और टू। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। एक दूसरा जेड ये बन रहा है, देखिए उल्टा जेड बन रहा है, उल्टा जेड ये वाला इसमें नहीं आए, और दूसरे ये वाला जेड आएगा, कौन सा वाला, एक तो ये आ गया, ये वाला आएगा, इसमें थ्री और फोर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बोलो, और एक ये वाला जेड आ गया, वन और टू, तो दो एंगल्स इक्वल आ गए। तीसरा वर्टिकली अपोजिट ले सकते हैं, या फिर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल बोल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, थ्री ले लिया और एक फोर ले लिया, क्या ले लिया, फोर, क्या ले लिया, फोर, ये एंगल फोर ले लिया हमने। हैव यू गॉट इट, समझ में आ गया। अब ट्रायंगल के नाम लो, इनर ट्रायंगल कहां से शुरू करो, ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी एंड ट्रायंगल। अब बोलो देखो ओ से चले थे तो क्या आया था, वन, और वन के ऊपर कौन है, टू, ओ से चले थे तो वन आया था, ओ सी, ओ से चलेंगे तो वन के ऊपर टू, ओ ए बी, O A B। अगर ये सिलेक्शन गलत हो गया
सिमेट्री होनी चाहिए। उसे चले थे तो सी मिला था, सी पे कौन था वन, और वन किसके इक्वल है टू के, तो ओ ए बी। तो इसमें क्या लिख देंगे, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। यहाँ पर सीधे एक रीजन लिखो, क्या लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जेड बना। देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये जेड बना, इस जेड में कौन आया बोलो, वन आया और टू आया। इस वाले जेड में कौन आया, उल्टी वाले जेड में, उल्टा जेड बन गया, इसमें कौन आ गया थ्री आ गया और कौन आ गया फोर आ गया। अब ये कौन है बोलो थ्री, ये कौन है बोलो फोर, नहीं वन टू थ्री फोर, यहां पर फाइव और सिक्स आना चाहिए, वन टू थ्री फोर आ गए तो क्या आना चाहिए फाइव और सिक्स। तो थोड़ा यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, जो हमने लिखा है ना उसे देखिए, ओ यहां पर लिख दो, ओ यहां पर लिखो, वन टू थ्री फोर आ गए तो इसे फाइव और सिक्स। Have you got it? Any difficulty? Not. तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? Five is equal to six. इसका रीजन क्या आएगा? Vertically opposite angles are equal. Vertically कहाँ बनते हैं? जब एक आपका x बन जाए, क्या बन जाए? X जैसी फिगर बन जाए, जैसे ऐसे बन जाए ना, तो आमने सामने। Therefore, triangle जो नाम दिया है ऊपर O C D is congruent triangle, कौन सा O A B by A similarity, congruence rule, good, congruence rule या congruence triangle, ये होता है। अब ये congruent हो गए, अब जब congruent हो गए तो क्या लगेगी सीपीसीटी, क्या लगेगी सीपीसीटी। सीपीसीटी में हमें क्या चाहिए, OA, OC, OB और OD। अब देखो OA, यहाँ देखो OA, OA, OA के साथ कौन आ रहा है बोलो OC, क्योंकि OA पहले दो OC पहले दो, और OB और OD, OB और OD, OB के साथ OB कौन है फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट OD, एक ऐसे रीजन क्या आएगा By CPCT। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधे सीधे हो गया, क्या हो गया इसका मतलब, हो गया इसका मतलब सीधे सीधे हो गया, therefore it means diagonals AC and BD by sect each other At O, hence proved, यही तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि बताना था कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल इसके बाइसेक्ट कर चुके, क्यों कर चुके इसके डायगोनल बाइसेक्ट, कि आपने जस्ट अभी क्या बताया, आपने जस्ट अभी बता दिया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हमने थ्योरम 8.6 का प्रूफ इस वीडियो में दिया है, वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।